वेलकम टू द शिवा इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मोबाइल लैपटॉप एलसीडी एलईडी रिपेयरिंग। स्टूडेंट, आज की क्लास में मैं आपको हब आर्किटेक्चर लैपटॉप मदरबोर्ड में जो सीपीयू की सप्लाई होती है उनके बारे में प्रैक्टिकल वीडियो दिखाऊंगा, यानी कि एक लैपटॉप मदरबोर्ड को ऑन करके सीपीयू की जो रिक्वायरमेंट बोर्ड होती है उनको चेक करके दिखाऊंगा। तो अगर आप भी लैपटॉप रिपेयरिंग चिप लेवल पे सीखना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्स से जुड़ सकते हैं, और मैं अपने कोर्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन देंगे, और ये बेसिक टू एडवांस होगी। तो आप देखेंगे आज जो मेरे पास मदरबोर्ड है वो कॉम्पैक्ट का है और CQ61, और इस बोर्ड के अंदर मैं सीपीयू की जो तीन सप्लाइयां हैं उनको दिखाऊंगा, और साथ के साथ ये भी बताऊंगा कि हर लैपटॉप मदरबोर्ड में 6 से 7 कॉइल होती हैं, चाहे वो किसी भी आर्किटेक्चर का हो। तो हम कैसे पहचाने कि वो कॉइल कौन से सेक्शन की है या फिर उसमें कितनी बोर्ड बनती है। तो आइए स्टूडेंट, हम देखते हैं इसको प्रैक्टिकली। और जैसे कि यहाँ पे मेरे पास जो मदरबोर्ड है वो है HP कॉम्पैक्ट CQ61 का, और जो बोर्ड का पार्ट नंबर है, अगर मैं आपको पार्ट नंबर दिखाऊं तो आप देखेंगे यहाँ पे OP6 है, और ये OP7 में भी सेम बोर्ड है, और ये हमारा UMA और डिस्क्रीट दोनों बोर्ड है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये नॉन ग्राफिक है, मतलब ये UMA है। अगर यहाँ पे ग्राफिक चिप लगी होती तो उसको हम ग्राफिक मदरबोर्ड बोल सकते थे या फिर डिस्क्रीट बोर्ड बोल सकते थे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मदरबोर्ड हमारा हब आर्किटेक्चर का है, और जिन लैपटॉप मदरबोर्ड में एक CPU लगा हो और दूसरा GMCH हो और तीसरा हमारा ICH लगा हो तो उसको हम हब आर्किटेक्चर कहते हैं। अब बात आती है इस मदरबोर्ड के अंदर जो ये कॉइल लगी हुई है, ये हमारे कोर सप्लाई बनाती हैं और ये ड्यूल फेस की है। और जैसे कि आप देख रहे हो ये वाली कॉइल को, ये हमारे बैटरी कनेक्टर के पास में है, तो ये बैटरी चार्जिंग कॉइल है। और जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे दो कॉइल ये देखने को मिल रही हैं, और साथ के साथ यहाँ पे जो पोलराइज कैपेसिटर हैं वो 6.3 वोल्ट के हैं, तो इनमें से एक कॉइल 3.3 वोल्ट की है और एक हमारी 5 वोल्ट की है, और यानी कि ये हमारे स्टेप डाउन सेक्शन की है। और जो आप ये देख रहे हैं हमारा रैम स्लॉट है, तो इसके पास में जो ये कॉइल देखने को मिल रही है ये हमारी रैम की ऑपरेटिंग वोल्ट बना रही है। और अब आप देखेंगे यहाँ पे जो ये कॉइल है, ये कॉइल हमारे CPU के लिए, GMCH के लिए और ICH के लिए 1.05 वोल्ट बना रही है। तो इसको मैं प्रैक्टिकली चेक करके भी दिखाऊंगा, साथ के साथ आज का जो मेन विषय है वो ये कि CPU की जो रिक्वायरमेंट वोल्ट है वो क्या क्या है। देखिए, सबसे पहली जो इसकी रिक्वायरमेंट वोल्ट है 1.05 वोल्ट है, यानी कि ये वाली वोल्ट इसको चाहिए सबसे पहले, तभी ये VID सिग्नल जनरेट करेगा जिससे कि कोर IC को, यानी कि जो हमारी VRM IC है, उसको ये पता चलेगा कि CPU की कोर वोल्ट क्या है। तो ये सारी चीजें मैं चेक करके दिखाऊंगा आपको। तो सबसे पहले मैं अपने मदरबोर्ड में DC पावर सप्लाई को कनेक्ट कर लेता हूँ। देखिए, जब मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ और DC पावर सप्लाई को ऑन करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरी लाइट जल गई, और ये लैपटॉप मदरबोर्ड को अब मैं ट्रिगर करूंगा, और यहाँ पे आप देखेंगे ऑन ऑफ बटन का कनेक्टर है, और यहाँ पे दो पैड दे रखे हैं, तो मैं इनको जैसे ही शॉर्ट करता हूँ तो आप देखेंगे मदरबोर्ड में लाइट जल गई है और मेरा मदरबोर्ड ऑन हो गया है। तो आज मैं आपको सबसे पहले ये दिखाता हूँ इस लैपटॉप मदरबोर्ड में क्या क्या सप्लाई बन रही है। तो यहाँ पे मैं मल्टीमीटर को वोल्टेज की रेंज पे रख लेता हूँ, और आप देखेंगे यहाँ पे एक तार को हमने ग्राउंड पे रखना है। आप देखेंगे यहाँ पे जो CPU के पास में जो कॉइल लगी हैं दो, ये कोर वोल्ट बना रही हैं, और यहाँ पे अगर मैं वोल्ट देखूँ तो 1.06 वोल्ट आ रहा है। देखिए, दूसरी कॉइल पे भी सेम वोल्टेज है 1.06 वोल्ट, तो ये CPU की कोर वोल्ट हो गई। अभी यहाँ पे बैटरी लगी नहीं है, तो देखेंगे बैटरी के लिए यहाँ पे 0.66 वोल्ट दिखा रहा है ये, और जब बैटरी लग जाएगी तो बैटरी चार्जिंग वोल्टेज आएगी इस कनेक्टर पे, तो देखेंगे इसका पॉजिटिव है, सेम वोल्टेज आ रही है पॉजिटिव ट्रैक पे। और जैसे कि मैंने बताया 3-5 की है, तो लगा के देखता हूँ। देखिए, 5 वोल्ट की कॉइल है ये, और ये अगर मैं चेक करूँ 3.3 वोल्ट की कॉइल है, और जैसे मैंने बताया था ये हमारी रैम की कॉइल है। अगर मैं इसको यहाँ पे टच करता हूँ तो देखेंगे रैम की ऑपरेटिंग वोल्ट बनेगी 1.8 वोल्ट। देखेंगे यहाँ पे 1.9 दिखा रहा है, मतलब ये 1.8 वोल्ट है। मैं कॉइल के आउटपुट में लगाता हूँ क्योंकि वो इनपुट था। देखेंगे 1.8 वोल्ट आ रही है, क्योंकि यहाँ पे DDR2 रैम लगी है तो उसके लिए 1.8 वोल्ट की रिक्वायरमेंट होती है। और जैसे कि आप देख रहे हैं ये कॉइल हमारी 1.05 वोल्ट बनाएगी। देखेंगे 1.7 दिखा रही है, तो ये एग्जैक्ट मतलब 1.5 वोल्ट होती है, जो कि CPU, GMCH और ICH के लिए होती है। तो आपने सबसे पहले तो ये देख लिया कि इस मदरबोर्ड में 6 से 7 कॉइल लगी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो इन 7 कॉइल में क्या क्या वोल्ट बन रही है। अब मैं दिखाऊंगा आपको जो CPU की जो रिक्वायरमेंट वोल्ट है वो सिस्टमेटिक के अकॉर्डिंग दिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो आप देख लें कि CPU के लिए ये वाली वोल्ट बन रही है 1.05 वोल्ट, और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे कोर वोल्ट बन रही है 1.05
3 वोल्ट और सीपीयू की 1 वोल्ट होती है 1.5 वोल्ट। मैं इसको स्मैटिक में भी एक्सप्लेन कर दूंगा, देखेंगे। इसको मैं इस तरीके से रख लेता हूं क्योंकि जो 1.5 वोल्ट बन रही है, यहां पे एक छोटा सा रेगुलेटर लगा है U29। मैं देख लेता हूं एक बार, देखेंगे। यहां पे लगा है U29। मैं स्मैटिक में भी इसको खोल लेता हूं U29 को, देखेंगे। ये मेरा U29 लगा हुआ है और ये 5 पिन का है। मैं थोड़ा सा इसको छोटा करता हूं और देखेंगे ये 5 पिन का है। पिन नंबर 1 जो है SSDN है और पिन नंबर जो 3 है वो VIN है। VIN पे कितना आ रहा है? +3 VS आ रहा है और आउटपुट देखेंगे +1.5 VS आ रहा है। इसको मैं डायग्राम में भी डाल दूंगा, देखेंगे +1.5 VS आ रहा है। तो ये देखेंगे यहाँ पे हमारा रेगुलेटर लगा हुआ है और सीपीयू हीट हो गया इसलिए बंद हो गया सिस्टम। तो मैं इसमें इसका फैन लगा लेता हूँ ताकि ये नॉर्मल रहे। यहाँ पे मैं फैन लगा लेता हूँ क्योंकि ये टेम्परेचर की वजह से ऑफ हो गया है, क्योंकि सीपीयू के अंदर एक थर्मोस्टेट लगा होता है जो टेम्परेचर को सेंस करता है और ये सीपीयू का प्रोटेक्शन होता है। तो यहाँ पे ये फैन की वायर लगा लेता हूँ, ठीक है। और दोबारा से सिस्टम को मैं ऑन करता हूँ और मैं स्कीमेटिक में भी आपको दिखाऊंगा। देखिए यहाँ से मैं दोबारा ऑन कर लेता हूँ, देखिए ऑन हो गया है मेरा ये। अच्छा, अब बात आती है जो मेरा ये रेगुलेटर लगा हुआ है इसकी पिन नंबर पे क्या क्या वोल्ट बन रही है, इसको आप ध्यान से देखें क्योंकि अगर मैं ये निकाल दूंगा तो लैपटॉप में डिस्प्ले नहीं आएगी। सबसे पहले आप देखेंगे इसका पिन नंबर 1 यहाँ पे है, यहाँ पे बिंदी है मेरी, और पिन नंबर 1 पे मेरा 3 वोल्ट आएगा क्योंकि ये देखेंगे यहाँ पे 3.3 वोल्ट आ रहा है। और पिन नंबर 3 को देखूं तो यहाँ पे भी VIN आ रहा है, तो ये 3.3 वोल्ट VS ये मेरे स्टेप डाउन सेक्शन से आ रहा है। और जो कि इसका आउटपुट अगर मैं देखूं पिन नंबर 4 पे है, तो पिन नंबर 4 ये है, तो देखेंगे 1.5 वोल्ट बन रहा है। ये एक सीपीयू की रिक्वायरमेंट वोल्ट है। इसको मैं मैट्रिक में भी दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम इसके पेज नंबर 1 में आते हैं जहाँ पे इसका ब्लॉक डायग्राम है। इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ, देखेंगे। ये मेरा हवा आर्किटेक्चर का सीपीयू है और अगर मैं इसके पेज के बारे में बताऊं तो देखिए जो सीपीयू की इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4 में है। तो मैं यहाँ से पेज नंबर 3 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आपने देखा यहाँ पे सीपीयू की 3 सप्लाई हो गई। पहली सप्लाई कोर वोल्टेज है और दूसरी 1.05 वोल्ट और तीसरी 1.5 वोल्ट। तो आप देखेंगे जब हम लैपटॉप को ऑन करते हैं तो जैसे उसको सीपीयू को 1.05 वोल्ट मिलती है तो ये अपनी VID पिन से इन्फॉर्मेशन देती है कोर आईसी को, जिससे हमारी VRM चिप हमारी सीपीयू के लिए कोर वोल्ट बनाती है। तो हम इसमें देखेंगे यहाँ पे 6 बिट है, आप देखेंगे 0 से लेके 6 है, यानी कि 7 बिट में है। तो इस तरीके से आपने देखा हवा आर्किटेक्चर लैपटॉप मदरबोर्ड में सीपीयू की जो 3 सप्लाई थी, हमने उसको स्मैटिक में भी देखा, मदरबोर्ड में भी देखा और साथ के साथ ये कोशिश भी करी कि जो लैपटॉप मदरबोर्ड में 6 से 7 कॉइल होती हैं कैसे पहचाने कि वो क्या क्या वोल्ट बना रही। अच्छा, हर लैपटॉप में जो कॉइलें होती हैं उसमें इसी तरीके से हमने उनको पहचानना है। जब आप कॉइलों में जब आप ये पहचानने लग जाओगे कि मदरबोर्ड में कौन सी कॉइल किसके लिए वोल्ट बना रही है, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कौन सी प्रॉब्लम किस वजह से आ रही है। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रैक्टिकल वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, पूरा वीडियो देखना। थैंक यू, धन्यवाद।